नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। दोपहर का टाइम हो चुका है और लंच बनाने के लिए मैं जा रही हूँ किचन के अंदर। तो इस टाइम का जो होता है ना समय, वो बिल्कुल ही सुस्ती वाला होता है, क्योंकि थोड़ी देर आप आराम करने चले जाते हैं नाश्ता करने के बाद। तो बहुत सारी चीज़ें किचन में ऐसी होती है जिनको ठीक वेक करना होता है, और उसके बाद फिर शुरू करते हैं आप लोगों के लिए टिप्स। तो यहाँ पर मैं बनाने जा रही हूँ चावल। तो चावल को मैं क्या करती हूँ कि आधा घंटा पहले ही भिंगो के रख देती हूँ। एक्चुअली ये बासमती राइस है, तो बहुत ज़्यादा भिंगोते हैं ना तो गल जाता है बिल्कुल चावल। तो 10 मिनट 15 मिनट या आधा घंटा बहुत है इसके लिए, और इससे क्या होता है कि बहुत जल्दी चावल बन जाते हैं। और जब इसका जो दो तीन बार पानी धोने के बाद जो पानी आप डाल के छोड़ते हैं, तो उस पानी को ना आप फेंकिए मत। उस पानी को किसी बर्तन में आप उसको रख लीजिए, और फिर मैं आपको बताती हूँ कि उसका क्या करना है। पहले मैं सब्ज़ी काट लूँ, क्योंकि मुझे ना समय हो रहा है लंच बनाने का, और अगर मैं कुछ और करने लगी तो काफ़ी टाइम हो जाएगा। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ सहजन और आलू की सब्ज़ी, ग्रेवी वाली, थोड़ी सी सूखी थोड़ी सी गीली उस टाइप की। तो आप लोगों में से कितने लोग हैं जिनको सहजन की सब्ज़ी बहुत ही स्वादिष्ट लगती है? मुझे बहुत अच्छी लगती है, तो इसीलिए आज मैं बना रही हूँ। ये बहुत कम मिलती है फ्रेश हमारे इधर, कभी कभार ही ऐसा होता है कि ताज़ी मिल जाती है। तो इसमें जो मैं मसाला डालूँगी ना, कुछ खास नहीं डालूँगी, टमाटर और लहसुन डालूँगी, थोड़ी सी अदरक डाल दूँगी। तो बस इसका मसाला पीस के रख लेंगे, और प्याज नहीं डाल रही हूँ। अगर आपको प्याज डालना हो ना तो प्याज भी डाल सकते हैं, अच्छी बनती है प्याज डाल के भी, पर मैं प्याज नहीं डाल रही हूँ। और इसके पीछे कारण ये है कि प्याज है ही नहीं घर में, तो मैंने सोचा क्यों ना टमाटर और लहसुन को पीस करके इसके अंदर डाला जाए। तो अक्सर हाँ, जब हम सहजन की जो सब्ज़ी बनाते हैं ना, वो सरसों मसाला डाल के बनाते हैं, मतलब सरसों और पीली सरसों जो होती है वो, लाल मिर्च, जीरा और साथ में प्याज टमाटर। तो बस इन चीज़ों का डालती हूँ, लेकिन आज मैं सरसों नहीं डाल रही हूँ, ऐसे ही बना रही हूँ। तो कुछ इस तरीके से होता है सब्ज़ी। उधर मैं चढ़ाने के लिए कढ़ाई चढ़ा रखी है, और ये जो पानी है ना उसको, चलिए चलते हैं, हम डालेंगे इसे पौधे में। तो जो पौधे होते हैं ना, जैसे खासकर कड़ी पत्ता और कोई फ्लावर का जो पौधा हो, वो उन सब में अगर आप थोड़े थोड़े दिनों पर ये पानी डाल देंगे, या वैसे भी अगर आप दोपहर में खाना बना रहे हैं उस टाइम जमा करके रख लें, और थोड़ी शाम होने पे फिर इस पानी को आप पौधों में डाल दें, थोड़ी थोड़ी सी डालें, ये खाद का काम करती है। और मैं साथ में अपना कड़ी पत्ता भी तोड़ के ले आई हूँ, क्योंकि मुझे उसकी ज़रूरत भी थी। तो चलिए, अब मैं इधर चावल तो एक तरफ चढ़ा दिया था, दूसरी तरफ मैंने कढ़ाई चढ़ाई है, और बस इसके अंदर मैं तेल डालूंगी। तेल डाल के बीच में मुझे बनानी है एक दूसरी सब्जी, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे सरसों तेल डाला है, और इसमें जीरा का तड़का लगा के, और आपको दिखाती हूँ किसकी सब्ज़ी बनेगी। ये है परवल। तो ये परवल को मैंने सिर्फ हाफ हाफ कट किया है छील के, और इसमें हल्दी और नमक दो ही चीज़ें डालूंगी। मैं आजकल मिर्च भी नहीं डाल रही हूँ सब्ज़ी के अंदर, क्योंकि मुझे मिर्च से थोड़ी सी प्रॉब्लम होने लगी है। तो बस नमक और हल्दी डाल के, और थोड़ी सी मैं इसके अंदर कोई भी मसाला डाल दूंगी, और बस इसको हम ऐसे कुछ इस तरीके से फ्राई करेंगे। फ्राई क्या मतलब, जैसे आप उसको नमक हल्दी डाल के रख देंगे ना धीमी आँच पर, तो बहुत अच्छे से गल जाएगा और आपकी भुजिया सी तैयार हो जाएगी। चलिए, यहाँ पर आज कुछ सब्जियाँ आई थी, तो इसको मैं स्टोर कर लूँ। तो इसके लिए मैंने अपना एक पहले ही काफ़ी सारे जैसे फूड कंटेनर आते हैं ना, खासकर सलाद वाले जो कंटेनर होते हैं कभी कभी लाते हैं, तो वो मैं रख लेती हूँ। तो उसी के अंदर मैं भिंडी को धो के सुखा के और रख लेती हूँ, बाकी भी सब्जियाँ जो आ सकती हैं उसके अंदर रखती हूँ। चलिए एक और टिप बता देती हूँ। कभी कभी क्या होता है कि कोई ठंडी चीज़ होती है खाने की, जब हम खाना खाते हैं तो फ्रिज से निकालते हैं, और उसे फिर गर्म करना बहुत बड़ा काम हो जाता है। तो अगर माइक्रोवेव में गर्म करना है तो इसको किसी शीशे के बर्तन में रखना होगा, या कोई जो माइक्रोवेव सेफ होता है उसमें। अगर स्टील के बर्तन में रख लिया है तो बहुत मुश्किल हो जाता है गर्म करना, खास के चावल वगैरह को। तो जो चावल अभी फ्रेश बनाया है ना, उसी चावल में आप उस पुराने वाले चावल को भी मिला दें। इस तरीके से आप रोटी वगैरह को भी कर सकते हैं। जैसे नई रोटी बना रहे हो तो पुरानी रोटी को पहले रख दें, ऊपर से नई रोटी रख दें, बहुत अच्छे से वो गर्म हो जाएगा। चलिए, यहाँ पर मेरी ये परवल की भुजिया बनके तैयार हो गई। कहीं से भी आपको लगता है कि मैंने मसाला नहीं डाला है, सिर्फ नमक हल्दी के अंदर ये सब्जी बनके तैयार हो गई। और कभी आप लोग इसको ट्राई कीजिएगा, बहुत टेस्टी बनती है। इसको भाजा भी बोलते हैं, परवल भाजा, और अक्सर हाँ हम लोग दाल चावल के साथ इसे खाते हैं।
तो यहाँ पर मैंने उसी कढ़ाई के अंदर फिर से थोड़ा सा तेल डाला, राई डाली और करी पत्ता जो अभी मैं तोड़ के लाई थी। तो जब भी कोई दो तीन सब्जी बनानी हो ना आपको, तो कोई सूखी सब्जी अगर आप बनाते हैं तो बीच में आप कढ़ाई को धोए नहीं। अगर आप धोते हैं ना तो उसका जो लगा होता है ना, जैसे उसके अंदर तेल और मसाला, वो फिर धुल जाता है। आप कोशिश करें कम आँच पे बनाएं जिसे कढ़ाई जले नहीं, और उसी कढ़ाई के अंदर आप दूसरी सब्जी भी बना सकते हैं। यहाँ पर सहजन और आलू को मैंने डाल दिया, और उसके बाद नमक हल्दी, और बस उसके बाद मैंने थोड़ी सी सांभर मसाला पाउडर डाली है, और बस कुछ नहीं, इसको ढक के थोड़ी देर के लिए पकाएंगे, और पकाने के बाद इसमें पानी डाल देंगे। तो मैं अपने पहले ही पानी डाल दिया, क्योंकि सहजन क्या होता है ना, गलता नहीं है। तो इसे चाहे तो आप कुकर में बनाएं, या फिर अगर कढ़ाई में बना रहे हैं तो तड़का लगाने के बाद तुरंत पानी डाल दें, उसको 5 मिनट तक थोड़ा मीडियम फ्लेम पर उसको उबाल दें। तो जब लगेगा कि पानी बिल्कुल ही सूख गया कुछ इस तरीके से, तो बस ये तैयार हो जाता है, मतलब गल जाता है। उसके बाद टमाटर डाल दिया मैंने, जो लहसुन टमाटर का मैंने पीसा था वो डाल दिया। तो ये बहुत अच्छा तरीका है बनाने का। अगर सूखी सब्जी कोई बनानी हो तो पहले आप पानी डाल के सब्जी को गला लें, और उसके बाद उसके अंदर जो टमाटर या लहसुन डालना है वो डाल के फिर थोड़ी देर भूनें, और जब वो लगे कि खुशबू सी आने लगी है फिर उसके अंदर पानी डाल के ढक के पका लें। तो यहाँ पर सिर्फ मैं मसाले का पानी डालूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी मुझे नहीं डालना है। तो कुछ इस तरीके से घर का जो टाइम होता है ना, उसको भी मैं बचत करती हूँ। जैसे खाना बनाने के साथ साथ ही और भी बहुत सारे काम करती रहती हूँ, जैसे पौधों में पानी डाल दिया जाके, साथ में मैंने बहुत सारी क्लीनिंग भी करती। नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। और अभी मैं खाना बना रही हूँ, और आज ना खाना काफ़ी लेट हो गया है, क्योंकि नाश्ता मैंने पोहा खाया था ना, तो पोहा से थोड़ा सा पेट ऐसा भरा भरा सा हो जाता है। और तो अब सोच रही हूँ किसी दिन आप रात को ही खाना खाएंगे, शायद दिन में अब नहीं खा पाएंगे, क्योंकि 4 बज चुका है और चाय भी बना चुकी हूँ। और मैंने जो ये परवल का बनाया ना, ये बहुत टेस्टी बना है। आप लोग कैसे बनाते हैं ज़रूर बताइएगा। वैसे तो सब्जी भी बनाती हूँ, लेकिन आज मैंने कुछ अलग तरीके से बनाया। इसको ऐसे भुजिया ही बोल सकते हैं, परवल का। तो अभी खाना बना रही हूँ, और साथ साथ मैं आप लोगों के लिए टिप्स भी शेयर करे जा रही हूँ। तो आप लोग पूरा वीडियो देखिए, और अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। और अभी तो मेरा खाना बनता रहेगा, क्योंकि मैंने तोरी की सब्जी भी बनानी है। तो चावल हो गया, सब्जी हो गई दो तरह की, और मैंने रात में बनाई थी प्याज वाली कढ़ी, तो कढ़ी भी रखी हुई है, तो वो सब मिला करके खाइए। सांभर मसाला ही था, और इधर कढ़ी भी गर्म हो रही है, थोड़ी सी बची थी तो मैंने इसको चूल्हे पे ही गर्म कर लिया। और एक चीज़ और है कि अगर आप ना बार बार बर्तन बदलते हो ना, तो उससे ना बहुत सारे बर्तन होते हैं। तो कई बार क्या होता है कि मेरी कटोरी जैसे ये वाली ज़्यादा है, तो मैं इसी कटोरी में रख देती हूँ। वैसे माइक्रोवेव भी है, तो उसके लिए फिर माइक्रोवेव सेव वाला बर्तन निकालना पड़ता है। तो इस चक्कर में ना बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं। फ्रिज में मैं रख देती हूँ, इस बर्तन में फिर निकालती हूँ, फिर माइक्रोवेव में गर्म करने के लिए अलग से लेना पड़ता है। तो इससे अच्छा है कि चूल्हे के ऊपर मैं थोड़ा सा गर्म कर लेती हूँ। अगर शीशे वाले बाउल में रखती हूँ तो फिर तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर स्टील वाले में रख लेती हूँ तो गैस के ऊपर, या जैसे सब्जी बन रही है तो इसके ऊपर रख के भी आप गर्म कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी चावल का दिखाया। तो आई होप कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें अच्छी लगती होंगी। और कल जो मैंने बनाया था ना, ये देखिए, ये इतना काम का है ना कि मैं क्या बताऊँ। बहुत अच्छा भी लग रहा है, लेकिन मैं सोच रही हूँ इसके नीचे ना कुछ ऐसे थोड़ा उठा करके रख दूँ। सोच रही हूँ कल दिखाऊंगी आपको कि मैं क्या इसके अंदर लगाऊंगी, जिससे कि ना अंदर अगर कोई पानी वानी होगा तो वो इसके अंदर जाएगा नहीं, क्योंकि है तो गत्ता ही है ना। तो चलिए, बस इसी के साथ अब इस वीडियो को मैं लास्ट करती हूँ। कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा। गर्मी वैसे ही है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, सूखी गर्मी है। और कल यहाँ पे तीज बहुत अच्छे से मनाया गया था, बहुत अच्छे से। लेकिन क्योंकि मैं तीज का कभी मैंने ऐसा देखा नहीं था, मैं यहाँ आने के बाद ही तीज को देख रही हूँ, तो फिर मुझे इतना ज़्यादा नहीं उसके लिए एक्साइटमेंट होती कि मुझे तीज करना है या क्या। और व्रत तो इसमें होता भी नहीं है मेरे ख्याल में, सिर्फ लोग तैयार होते हैं। तो यहाँ तो बहुत ज़्यादा होता है, जैसे डीजे लगता है, खाना पीना होता है, और सब लोग थोड़ा बहुत गेम वेम खेलते हैं, हरी हरी साड़ियाँ पहन के आते हैं। वो सारी चीज़ें करने के लिए ना गर्मी इतनी ज़्यादा है, जो लोग करते हैं ना, मैं उनको देख के मेरे को गर्मी लग रही थी करते हैं तो अच्छा लगता है वैसे देखने से तो,
और पर मैं नहीं कर पाई क्योंकि मैंने कभी देखा ही नहीं था, अभी एक दो सालों से ही मैं देख रही हूँ, तो मुझे इतना ज़्यादा वो अट्रैक्ट नहीं करता है। तो अगर आप लोगों ने किया है तीज तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और चलिए अब जो तीज आएगी ना वो हम लोगों के इधर होता है, कुछ लोग करते हैं कुछ लोग नहीं भी करते हैं, तो एक और तीज आने वाला है इसके बाद, तो उसमें होता है व्रत, गौरी और शंकर की पूजा होती है और पूरा दिन का व्रत होता है, रात को भी व्रत रहता है, सुबह जाके खाना खाते हैं, इतना मुझे पता है। तो चलिए मेरी सब्जी अब बन रही है और मैं ना आजकल एक्टिव हो गई हूँ अपने इस चैनल के ऊपर, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि मैं बहुत कम वीडियो डालती हूँ, तो आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगती है तो देखते रहिए, कुछ ना कुछ तो आता रहेगा, चाहे कभी गैप हो जाए वो अलग बात है लेकिन वैसे आता ही रहेगा। तो प्लीज आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको रोज कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा, सब्सक्राइब कर लेंगे फटाफट तो आपको सब तरह की वीडियो देखने को मिलेंगी। गोवा के ब्लॉग देखे कि नहीं देखे जरूर बताइएगा, नहीं देखे तो जाके देख लीजिए। और अब ना मैं शॉर्ट्स भी डालने लगी हूँ, पहले मैं शॉर्ट्स नहीं डालती थी और अब शॉर्ट्स भी डालने लगी हूँ, तो आज भी मैंने सुबह डाला था, अगर आपने नहीं देखा तो जाइए देखिए, क्योंकि उसको बनाने में ज्यादा मेहनत लगती है इस लॉन्ग वीडियो से, मतलब लॉन्ग वीडियो तो बनाने में लगता ही है टाइम लगता है, लेकिन शॉर्ट वीडियो की एडिटिंग में बहुत टाइम लगता है, तो थोड़ी सी मेहनत जो हम करते हैं ना उसको थोड़ा सा अप्रिसिएट कीजिए और जा करके देखिए। बाय। तो एक जो हाउसवाइफ होती है ना उसको कभी भी आराम नहीं है। खाना खाने के बाद मैं चली गई थी आराम, मतलब खाना तो नहीं खाया था, थोड़ा सा बस ऐसे लेटी थी और कुछ वीडियो का ही एडिटिंग वगैरह करने लगी थी, और मेरा एक रैक था जो कि मैं कभी स्टोर रूम में उसको रखी हुई थी, तो अब मैं इसको एक कमरे में ले आई हूँ और इसकी ना मुझे थोड़ी क्लीनिंग करनी थी। तो मैं आपको बताऊँ कि अगर आपको क्लीनिंग करते टाइम और रैक के अंदर कुछ रखना हो ना, तो जैसे कोई पेपर होता है या पॉलीथीन होता है तो उसको भी फाड़ करके आप रख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि इसके लिए आप कोई सीट प्लास्टिक सीट खरीद के लाएं और करें, मतलब इसके नीचे बिछाएं। मैं तो क्या करती हूँ, जैसे कोई मोटी थैली आती है ना किसी कपड़े वकड़े की, तो मैं उसी को काट के और नीचे बिछा देती हूँ। तो यहाँ पर काफ़ी सारे फाइल्स वगैरह थे जो कि काफ़ी दिनों से गंदे हुए पड़े हुए थे, और ये काफ़ी पुरानी मतलब जैसे ड्राइंग फाइल वगैरह होती है ना वो सब है, तो अब वही चीज़ें देख रही हूँ तो मुझे ऐसे लग रहा है याद आ गया कि चलो मुझे ये सब भी देखना है। तो इस जो लकड़ी का जो रैक है ना उसमें काफ़ी सारे ड्रॉर हैं और ये काफ़ी पुराना भी हो गया है, तो वैसे देखने में बाहर से इतना अच्छा नहीं लग रहा है लेकिन है काफ़ी मजबूत। तो इसके सारे ड्रॉर्स को पहले मैंने क्लीन किया अच्छे से, क्योंकि क्लीन करना बहुत ज़रूरी था और शाम हो चुकी थी फिर भी मुझे ये काम करना ही करना था। तो चलिए एक और मैं आपको आइडिया दे देती हूँ, ये जो गिफ्ट रैप होते हैं ना वो भी एक बहुत बड़ा ऑप्शन होता है किसी भी ड्रॉर के नीचे, मतलब ड्रॉर के में जो सीट बिछानी हो उसके लिए। तो अगर आपके पास प्लास्टिक सीट नहीं है या कुछ और नहीं है तो आप इस तरीके का जो गिफ्ट रैप आता है ना उसको भी आप नीचे बिछा सकते हैं, और यकीन मानिए बहुत सुंदर लगता है। और अगर गंदा हो जाता है ना तो इसको आप हटा भी सकते हैं, क्योंकि ये कोई ख़ास मतलब ऐसी चीज़ नहीं है कि जो कि मिलेगी नहीं या बहुत महंगी मिलती है, ठीक ठीक मिलती है, वैसे आजकल तो सारी चीज़ें महंगी ही हो गई हैं। तो ये मतलब ऐसा है कि मेरे घर में छोटे बच्चे तो नहीं हैं, ये पहले का ही बचा हुआ था तो मैंने इसके अंदर लगा दिया, थोड़ा सा बड़ा हो रहा था। और इसकी डिज़ाइन ऐसी है कि एक तरफ से तो सीधा है एक तरफ से थोड़ा सा गोला ऐसा है, तो मैंने फिर भी सीधा ही काट दिया, जो चलो कोई नहीं रख देंगे। और बस इन्हीं सब के साथ आज का दिन मैंने ऐसे व्यतीत किया, पूरे दिन का मैंने आपको आज दिखाया कि मैंने क्या क्या किया। और यहाँ पर जो ड्रॉअर को मैं ठीक कर रही हूँ ना उसके लिए मैंने कुछ इस तरीके के प्लास्टिक के जो होते हैं ना बास्केट उसका यूज़ किया है, क्योंकि ऐसे आप रख देते हैं ना सामान तो एक पर एक चढ़ा जाता है और फिर जब ढूंढने जाएंगे तो बिल्कुल नहीं मिलेगा आपको। तो ये भी एक टिप्स है कि अगर आपको ड्रॉअर को ठीक करना हो ना तो आप क्या करें, कुछ छोटे मोटे प्लास्टिक के जो बहुत बढ़िया मटेरियल में आते हैं, मैंने तो बढ़िया ही वाला ही लिया हुआ है क्योंकि मुझे बहुत सस्ते वाली चीज़ें सही नहीं लगती हैं, क्योंकि उसका मटेरियल बहुत ही बेकार होता है। तो मैं कुछ इस तरीके से यहाँ पे रख रही हूँ वो चीज़ें, जैसे कि नेल्स वगैरह होते हैं या हथौड़ा होता है या बहुत सारी चीज़ें होती है, कुछ एडहेसिव हुक्स वगैरह हैं, तो उन सब के लिए मैंने ये वाला रैक चूज़ किया है कि मुझे अब कहीं भी ढूंढना नहीं पड़ेगा। और इन सब को पहले मैं स्टोर रूम में रखती थी तो वहाँ तक मतलब ऐसा होता है कि कई बार बहुत जल्दी हो तो फिर ढूंढने में ही टाइम लग जाता है,
तो यहाँ पर जो चीज़ें अब काम की नहीं है वो सब रख दिया मैंने, जैसे छतरी वगैरह, अब इतनी बारिश नहीं होती तो ये सब चीज़ें रख दी। और बहुत सारी चीज़ें मैंने किसी और रूम से भी ला करके रखी हुई थी, उनको धोया था, साफ़ किया था, तो इसीलिए आपको ऊपर की तरफ बहुत सारी चीज़ें दिख रही होंगी। तो मुझे इन सब को ठीक करना है, तो आज तो बस इतना ही हो गया और मैं काफ़ी थक भी गई हूँ। एक और आपको दिखा दूँ कि अगर आपके पास कागज़ वाले गिफ्ट रैप नहीं है और इस तरीके के जो चमकीले पन्नी वाले गिफ्ट रैप होते हैं ना, उसका भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं एक रैक में तो कागज़ वाले लगाए, एक रैक में मैंने जो प्लास्टिक की थैली में लाई हुई थी कपड़े वगैरह के साथ, तो मोटा थैली था वो, तो मैंने उसके उसी को काट के डाल दिया। और यहाँ पर मैं डाल रही हूँ जो प्लास्टिक, मतलब ऐसे चमकी वाली जो चमकीली सी होती है ना गिफ्ट रैप, उसका यूज़ किया है मैंने। तो ये सुंदर भी बहुत लग रहा था और इससे ये होगा कि इसको तो हम पोंछ भी देंगे ना किसी गीले कपड़े से, तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं विम बार वगैरह, वो एक्चुअली पहले इसी के अंदर रहता था, तो अब मैंने इन सबको निकाल दिया और इसको एक अलग से मैं सोच रही हूँ कि कहीं और रखूँ। तो अभी तो फ़िलहाल ये अभी ऊपर से आपको दिख रहा होगा, लेकिन अब इसके अंदर कुछ और सामान रखूँगी और इन सारी चीज़ों को अब यहाँ से हटा दूँगी। तो दोस्तों, एक वीडियो बनाने में पूरा दिन चला जाता है, तो आप लोग प्लीज़ मेरी वीडियो को वॉच कीजिए, देखिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, क्योंकि कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, तभी मुझे अच्छा लगेगा। चलिए अगले टिप्स की तरफ बढ़ते हैं। कई बार हमें ना जल्दबाजी में कोई भी चीज़ बनाते हैं, चाहे तो चीला बनाएं या डोसा बनाएं, जो मतलब नॉर्मल सूजी वगैरह का जो डोसा बनाते हैं, उसके साथ ना चटनी बनाने में बहुत टाइम लग जाता है। तो मूंगफली की चटनी बनाने के लिए ना आपको मैं एक बहुत एक अच्छा सा तरीका बता रही हूँ कि मूंगफली को आप ड्राई रोस्ट कर लें। वैसे मैंने थोड़ा सा इसके अंदर हल्का सा तेल लगाया है, बस जस्ट लगाया है, उसमें एक चम्मच भी नहीं डाला। और उसके बाद मूंगफली को मैंने ड्राई रोस्ट किया, मतलब उसको भूनने दिया, और अच्छे से जब भून जाए ना, बिल्कुल आवाज़ आने लगे, तब तक आपको भूनते रहना है। तो कई बार जब हम मूंगफली की चटनी या नारियल की चटनी जब बनाते हैं, तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा टाइम चाहिए होता है। पहले धनिया आप धो, साफ़ करो, फिर नारियल वगैरह को काटो, पीसो। तो इससे अच्छा एक इंस्टेंट चटनी की रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, ज़रूर आप इसके कीजिएगा। तो मूंगफली हो चुकी है और इसको मैंने सूखा ही पीस के रख लिया है, तो वो पूरा वीडियो मैं किसी और वीडियो में दिखाऊंगी। आज मैं आपको बस इतना दिखा रही हूँ कि मतलब इसको फटाफट कैसे बना सकते हैं। तो आज मैं बना रही हूँ उत्पम, जो कि सूजी का है, और उत्पम के साथ या डोसा के साथ खाने के लिए चटनी तो चाहिए ही होती है। तो आज मेरा मन नहीं था धनिया वगैरह का चटनी बनाने का, तो इसीलिए मैंने आज मैं मूँगफली की चटनी बनाने जा रही हूँ, वो भी बहुत ही फंटास्टिक तरीके से। तो अभी मैं उत्पम पहले बना लेती हूँ, उसके बाद फिर आपको दिखाती हूँ कि मूंगफली की चटनी कैसे बनाते हैं। तो ये उत्पम को मैंने पलट दिया और ये बहुत अच्छे से बनता है। मैं तवे पर बनाती हूँ, लेकिन तवा पर क्या होता है ना कि काफ़ी फैल जाता है, तो इसीलिए मैंने इसको कढ़ाई में ही बनाना सही समझा। तो चलिए, ये उत्पम तो मेरा बन गया, अब आपको चटनी की भी रेसिपी बता देते हैं। तो यहाँ पर एक फ्राइंग पैन में मैं तड़के की तैयारी कर रही हूँ। एक चम्मच से भी कम मैंने कुकिंग ऑयल लिया है और इसको गर्म होने के बाद इसके अंदर मैंने डाला है राई, और साथ में मैंने लाल मिर्च, जो सूखी लाल मिर्च होती है वो, और थोड़ा सा उड़द का दाल, क्योंकि उड़द के दाल से ना बहुत अच्छा स्वाद आता है, और लाल मिर्च, सूखी लाल मिर्च, और साथ में करी पत्ता। और इन सब को डालने के बाद जैसे ये थोड़ा सा कड़क जाएगा ना, तो बस ये एक तड़का तैयार हो गया। और तड़के को हमें क्या करना है कि जो हम चटनी बनाएंगे ना उसके ऊपर डालेंगे। तो ये झटपट एक रेसिपी है, जब भी आपको खाने का मन करे आप इस तरीके से एक तड़का बना ले बस। और उसके बाद जो मूंगफली को मैंने पीसी उसे कटोरे में रखा, और जितना ही खाना था उतने में ही मैंने हल्का सा पानी मिलाया और उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया। नमक और ये जो तड़का हमने बनाया है वो, इन दोनों चीज़ों को मिला के एक ये चटनी बनके तैयार हो गई। तो आप मूंगफली को ऐसे ही पीस लें और फिर उसको किसी डब्बे में रख लें। जब भी आपका मन करे कि अभी चटनी खानी है तो आप इसे बना सकते हैं। टाइम हो तो फिर तो धनिया वगैरह के साथ भी बन